इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉकरोच, और मैंने इस वीडियो को इसी तरीके से प्लान किया है कि पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक पॉइंट पूरा कवर होगा, पूरा चिपका रखा है, और मैं बार बार एनसीईआरटी का नाम लेता रहूंगा। और इस पीडीएफ मत मांगना बार बार यार कमेंट्स में, मैं ऑटोमेटिकली 3-4-5 दिन में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम कॉकरोच का आधार कार्ड देख लेते हैं, मतलब उसकी क्लास क्या है इंसेक्टा, उसका फाइलम क्या है अर्थ्रोपोडा, और उसका साइज क्या है इंचिस टू 3 इंचिस, और किस टाइप का एनिमल है नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स, ठीक है, पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अब नेक्स्ट देखो, देखो जो कॉकरोच की बॉडी होती है वो कवर्ड होती है, किससे कवर्ड होती है एक्सोस्केलेटन से, ठीक है, एक्सोस्केलेटन से कॉकरोच की बॉडी पूरी कवर्ड होती है। अब एक्सोस्केलेटन में क्या होता है, एक्सोस्केलेटन हैज प्लेट्स, और इन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं स्क्लेराइट्स। अब ये स्क्लेराइट्स अगर डोर्सल है तो उसको बोल देंगे टर्जाइट्स, और अगर वेंट्रल है तो उसको बोल देंगे स्टर्नाइट्स, ठीक है। अब जो ये स्क्लेराइट्स हैं ना, ये प्लेट्स हैं जिनको हम स्क्लेराइट्स बोल रहे हैं, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और ये जुड़ी हुई हैं किसके द्वारा, अर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन के द्वारा, अर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन इन प्लेट्स को आपस में जोड़ रही है, क्लियर है। अब देखो, अब हम करेंगे कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है और एनाटॉमी पढ़नी है, यही तो पढ़नी है। तो पहले करते हैं मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फो में क्या है, कॉकरोच 3 पार्ट में डिवाइड है, कॉकरोच की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरेक्स एंड अब्डोमन। अब पहले हम करेंगे हेड, फिर करेंगे थोरेक्स, फिर करेंगे अब्डोमन, सिंपल है। तो सबसे पहले हेड, अब हेड के बारे में एनसीईआरटी में जो जो लिखा हुआ है पूरा इस पे मैंने उतार दिया है कॉपी पेस्ट। देखो हेड क्या है, फर्स्ट पॉइंट ट्राइंगुलर इन शेप, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, हेड लाइज 90 डिग्री टू दी बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, हेड बियर्स पेयर्स ऑफ कंपाउंड आइज। नेक्स्ट पॉइंट, हेड फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। नेक्स्ट, हेड एंटीना अराइजेज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट, ठीक है, एंटीना हेड से अराइज होते हैं मेम्ब्रेनस सॉकेट से। अब नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, हेड बियर्स बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, क्लियर है। अब ये माउथ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको थोड़ा देख लेते हैं। देखो माउथ पार्ट कौन से हैं, लेबरम जिसको अपर लिप बोला, लेबियम जिसको लोअर लिप बोला, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स को टंग भी बोल सकते हैं, लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफेरिंग्स, क्लियर है। अब देखो यहां पे अपना हेड अपना कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं थोरेक्स की तरफ। अब थोरेक्स में क्या है, 3 पार्ट होते हैं। अब ये थोरेक्स है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, देखो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। नाम से ही पता लग रहा है, प्रो मतलब जो आगे की साइड होगा, मीजो मतलब जो बीच में होगा, मेटा मतलब जो पीछे की साइड होगा, ठीक है। अब देखो एक बात तीनों में कॉमन है कि तीनों में दो 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 लेग्स होती है ना, टांगे, इसमें भी 2 टांगे, इसमें भी 2 टांगे, इसमें भी 2 टांगे, ये बात तीनों में कॉमन है, तीनों में है ना। अब अगर विंग्स की बात करें तो विंग्स प्रोथोरेक्स में अब्सेंट होते हैं, यहां पर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोथोरेक्स में विंग्स अब्सेंट होते हैं, बट मीजो थोरेक्स और मेटाथोरेक्स में विंग्स प्रेजेंट होते हैं। टांगे तीनों में होती हैं, बट विंग्स इसमें अब्सेंट, और इन दोनों में विंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो मीजोथोरेक्स मेटाथोरेक्स से आगे की साइड है ना, तो आगे की साइड है ये, तो इसके विंग्स को बोल देंगे फोर विंग, फोर मतलब आगे है ना, और ये मेटाथोरेक्स पीछे की साइड है, तो इसके विंग्स को बोल देंगे हाइंड विंग्स, ठीक है। अब ये विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके बारे में अब थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। कौन से, ये है फोर विंग, ये है हाइंड विंग, देखो पूरा ऑपोजिट करके पढ़ना है। देखो फोर विंग ओपेक डार्क होते हैं, और इसका ठीक ऑपोजिट हाइंड विंग ट्रांसपेरेंट होते हैं। फोर विंग लेदरी होते हैं और हाइंड विंग मेम्ब्रेनस होते हैं। फोर विंग का फंक्शन क्या होता है, कवर्स दी हाइंड विंग, मतलब ये उड़ने में कोई मदद नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार लगा लो, फोर विंग उड़ने में मदद नहीं कर रहे, इनका सिर्फ काम है इनको कवर करना, और उड़ने में इनका काम क्या है, यूज्ड इन फ्लाइट, ये उड़ने में मदद करेंगे, क्लियर है। अब देखो अपना हेड कवर है, अपना थोरेक्स कवर है, अब चलते हैं एब्डोमन की तरफ, ठीक है। अब एब्डोमन में क्या है, देखो एब्डोमन में 10 सेगमेंट होते हैं, इन बोथ मेल प्लस फीमेल, मेल कॉकरोच हो या फीमेल हो, दोनों में क्या होंगे, एब्डोमन में 10 सेगमेंट होंगे। अब दो चीजें आती हैं जो कंफ्यूज करती है, एनल सरसाई एंड एनल स्टाइल। एनल सरसाई जो है वो मेल प्लस फीमेल दोनों में होती है, और एनल स्टाइल ओनली इन मेल्स। अब इसको कैसे याद रखें, देखो सरसाई में डबल सी आ रहा है, 1 सी 2 सी, तो ये बोथ मेल प्लस फीमेल में होगी, ठीक है। अब अगर एब्डोमन में ही फीमेल एब्डोमन की बात करें, तो फीमेल
लेकिन एब्डोमेन में जो स्टरना होते हैं, स्टरना पता है ना क्या होते हैं, स्क्लेराइट्स हमने किए थे डोर्सल वेंट्रल, जो वेंट्रल थे वो क्या थे स्टरनाइट्स। तो अगर फीमेल एब्डोमेन में स्टरना की बात करें, स्टरना कौन से सेवंथ एट्थ एंड नाइन्थ। सेवंथ कैसा होता है बोट शेप, तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं ब्रूड या जेनाइटल पाउच, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहां पे अपनी मॉर्फो खत्म हो चुकी है, हेड थोरेक्स एब्डोमेन। अब हम चलते हैं कॉकरोच की एनाटॉमी की तरफ। एनाटॉमी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब देखो एनाटॉमी में सबसे पहले हम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो मैंने ये जैसे लिखा है इसको ऐसे ही याद रखना, आज के बाद कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, देखो सिंपल है, खाना ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, इसको तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, और जो ये रेड कलर के है ना, रेड कलर के ये है जंक्शन, फोरगट और मिडगट के बीच का जंक्शन ये रेड कलर में है, मिडगट और हाइंडगट के बीच का जंक्शन ये रेड कलर में है, सिंपल है। देखो अब खाना कैसे जाएगा, माउथ, माउथ के बाद फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर क्रोप, फिर गिजार्ड, फिर मिजेंटोरन, फिर इलियम, फिर कोलोन, फिर रेक्टम। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये जंक्शन की बात कर लेते हैं, फोरगट और मिडगट के बीच का जंक्शन है हेपेटिक सिक्के। हेपेटिक सिक्के कितने होते हैं नंबर में, 6 से 8। और मिडगट और हाइंडगट के बीच का जंक्शन है मालफीजियन टिब्यूल, ये कितने होते हैं, 100 से 150 होते हैं नंबर में। ठीक है, अब अगर बात करें, अगर स्पेसिफिक फंक्शन की बात करें, तो सिर्फ चार चीजों का फंक्शन याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें, एनसीईआरटी में पढ़ के देख लेना, चार चीजों का फंक्शन याद रखना है। कौन से, देखो क्रोप, क्रोप का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड नंबर एक। नंबर दो गिजार्ड, देखो गिजार्ड में जेड जेड बने हुए हैं, नुकीले नुकीले हैं, तो नुकीले से याद आ जाएगा कि ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड करता है, क्रोप स्टोरेज ऑफ फूड, गिजार्ड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, नंबर दो हो गया। नंबर तीन है हेपेटिक सिक्की, हेपेटिक वर्ड यूज होता है लीवर के लिए, तो इसके हमें याद आ जाएगा कि ये डाइजेशन कराएगा। नंबर तीन हो गया अपना, ये कराएगा डाइजेशन। अब नेक्स्ट है मालफीजियन टिब्यूल, मालफीजियन टिब्यूल नाम से ही पता लग जाएगा कि ये एक्सक्रीशन कराएगा, है ना। ये चार के फंक्शन याद रखने, क्रोप का स्टोरेज ऑफ फूड, गिजार्ड का ग्राइंडिंग ऑफ फूड, हेपेटिक सिक्की का डाइजेशन ऑफ फूड, मालफीजियन टिब्यूल का एक्सक्रीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम बाय मालफीजियन टिब्यूल। ठीक है, एक्सक्रीशन कॉकरोच में कौन कराएगा, मालफीजियन टिब्यूल, ये हम ऑलरेडी यहां पे कर चुके हैं। मालफीजियन टिब्यूल का फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन कौन कराएगा, मालफीजियन टिब्यूल। अब कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक, इंसेक्ट है तो यूरिक एसिड ही निकालेगा, सिंपल सी बात है। अब देखो हमने किया अभी कि एक्सक्रीशन कौन कराएगा, मालफीजियन टिब्यूल, पर मालफीजियन टिब्यूल के अलावा भी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी, कौन सी, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहां पे अपना कवर है, एनसीईआरटी चेक कर लेना। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, ये डायग्राम करवाऊंगा, एनसीईआरटी से पढ़ के देख लेना पूरा कवर हुआ कि नहीं। ठीक है, ये है स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल जो कितने होते हैं 10 pairs, ये है ट्रेकिया, ये है ट्रेकियोल्स। अब इसमें कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी समझना नहीं है। देखो स्पाइरेकल्स को रिप्लेस कर दो नोस्ट्रिल से, अपने जो नाक है स्पाइरेकल से उसको रिप्लेस कर दो, ट्रेकिया को अपनी ट्रेकिया ही रहने दो, और ट्रेकियोल्स को रिप्लेस कर दो अपनी अल्वियोलाई से, अल्वियोलाई से। अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो स्पाइरेकल से क्या होगा, एयर जो भी ऑक्सीजन है अंदर घुसेगी, फिर ट्रेकिया के थ्रू कहां जाएगी, अल्वियोलाई यानी ट्रेकियोल्स तक, और जो गैसेस का एक्सचेंज है वो कहां पे होगा, गैसेस का एक्सचेंज अपने में कहां पे होता है, अल्वियोलाई और ब्लड वेसल में, और इसमें भी कहां पे होगा, ट्रेकियोल्स में, गैसेस का एक्सचेंज होगा ट्रेकियोल्स में। सिंपली कुछ नहीं करना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। स्पाइरेकल नोस्ट्रिल है, ट्रेकिया रखो, ट्रेकियोल्स को एल्वियोलाई बना दो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। देखो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉकरोच में कैसा होता है, ओपन टाइप, ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड। देखो कॉकरोच क्या है, एक इनवर्टिब्रेट है, तो इनवर्टिब्रेट है तो मतलब पिछड़े हुए हैं थोड़े, तो पुअरली डेवलप्ड है, इसमें कुछ याद नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड वेसल्स ओपन इनटू हीमोसील। देखो जहां भी ये वर्ड आ जाए ना, सील, सील का मतलब होता है स्पेस, और हीमो मतलब उसमें फ्लूड या ब्लड भरा हुआ है, पूरा स्पेस में भरा होता है ऐसा पूरा, है ना। वेन्स तो है नहीं, ब्लड वेसल तो है नहीं, वेन्स आर्टरी तो है नहीं उसमें। हाँ, नेक्स्ट है ब्लड, ब्लड कैसा होता है, ब्लड को क्या बोलते हैं, पहले थे हीमोलिम्फ, और ब्लड कैसा होता है, कलरलेस प्लाज्मा। ब्लड में क्या क्या होता है, कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स, कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट, अपने जैसे ही, अपने में क्या होता है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, तो लगभग लगभग वैसे ही है।
अब नेक्स्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ही बात करें अगर हर्ट की, तो हर्ट क्या है, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, और उसकी पोजीशन क्या है, मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड अब्डोमेन। इसको ऐसे समझो, ये पूरा कॉकरोच है, ये रेड वाला कॉकरोच का हेड है, और ये येलो वाले में क्या आएंगे, ये थोरेक्स, ये अब्डोमेन। अब हेड वाले में तो नहीं है हर्ट, थोरेक्स एंड अब्डोमेन के ऐसे मिड डोर्सल लाइन में इलोंगेटेड है, लंबाई में है, ठीक है। और हार्ट डिफरेंशिएटेड इनटू 13 चैम्बर्स, 13 चैम्बर्स में होता है हार्ट। और ओस्टिया क्या होता है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ओस्टिया। देखो ये चैम्बर्स के थ्रू पोर्स होते हैं, और उन पोर्स को बोलते हैं ओस्टिया, जिसके थ्रू अपना वो ब्लड जाएगा कॉकरोच का, ठीक है। तो अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बाद आता है नर्वस सिस्टम का नंबर। देखो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया, और गैंग्लिया 3 होंगे थोरेक्स में और 6 होंगे एब्डोमन में। अब नर्वस सिस्टम लिटिल, थोड़ा सा होता है हेड में और बाकी वेंट्रल बॉडी में। इसीलिए बोलते हैं कि अगर कॉकरोच का हेड काट दिया जाए तो वो कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि हेड में थोड़ा सा ही नर्वस सिस्टम है, इतना फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट है ब्रेन। देखो कॉकरोच का ब्रेन कौन रिप्रेजेंट करता है, सुपरा ओसियोफेजियल गैंग्लियन, क्लियर है। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन, कॉकरोच में कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं, एंटीना, आईज, एनल सरसाई, मैक्सिलरी पल्प्स, लेबियल पल्प्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में जैसे जैसे लिखा हुआ है उसी को चिपकाया हुआ है मैंने नोट्स में, ठीक है, तो क्लियर है ना। अब नर्वस सिस्टम में ही बात करते हैं कंपाउंड आईज की। देखो कंपाउंड आईज, आंखें हैं तो दो होंगी, ठीक है, ये कंपाउंड आईज का नंबर कितना, दो। अब एक कंपाउंड आई में 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया होते हैं, एक कंपाउंड आई में 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया होते हैं, ठीक है। अब ये ओमाटीडिया क्या करते हैं, रिसीव सेवरल इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस को रिसीव करते हैं, और बहुत सारी इमेजेस होंगी तो ऐसे पैचेस बन जाएंगे, तो जब पैचेस बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मोजेक पैटर्न। तो मोजेक विजन होता है कॉकरोच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी खासियत क्या है, मोर सेंसिटिविटी एंड रेस रिजोल्यूशन। अब इसकी वजह से, इस सारे सिस्टम की वजह से कॉकरोच का विजन कैसा होता है, नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल एलिमेंट, नॉक्टर्नल एनिमल होता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक तरह से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रास्ता है, जैसे अपने में होता है लगभग वैसे ही चलता है, कि टेस्टिस, टेस्टिस की पोजीशन क्या होती है, फोर्थ से सिक्स अबडोमिनल सेगमेंट। टेस्टिस से कहां जाएंगी चीजें, वास डिफरेंस, फिर सेमाइनल वेसिकल, फिर इजेक्यूलेटरी डक्ट, फिर मेल गोनोपोर, मेल गोनोपोर से बाहर। लगभग यहां तक अपने सेम ही है, अपने जैसा, ह्यूमन के जैसा, टेस्टिस से इजेक्यूलेटरी डक्ट की तरफ। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो चीजें आपको पक्का पक्का कंफ्यूज करेंगी एनसीईआरटी में, मशरूम ग्लैंड्स एंड मेल गोनोपोफाइसिस। मेल गोनोपोफाइसिस का ही दूसरा नाम है फेलोमियर। मशरूम ग्लैंड की लोकेशन क्या है, सिक्स्थ टू सेवेंथ अबडोमिनल सेगमेंट। और ये करते क्या है, ये है क्या, ये है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। देखो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे चिपकाया हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, फेलोमियर क्या है, रिप्रेजेंट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, और ये क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और क्या है, ये क्या है, काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और ये क्या करते हैं, सराउंड्स मेल गोनोपोर, मेल गोनोपोर को सराउंड्स करते हैं। तो ये क्लियर है, कंफ्यूजन से दूर रहना। अब देखो मेल में क्या होता है, स्पर्म की अगर बात करें तो स्पर्म सेमाइनल वेसिकल में स्टोर होता है, स्पर्म सेमाइनल वेसिकल में स्टोर होता है, और वो आपस में चिपक जाता है, एक जैसे ये लगा लो फेविकोल से चिपक जाता है, और बंडल्स बना देता है, चिपक के क्या बना देगा, बंडल बना देगा, और उस बंडल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। तो अब अगर कोई मेल कॉकरोच डिस्चार्ज करेगा कोपुलेशन के दौरान, तो स्पर्मेटोफोर निकलेंगे मेल से, है ना, स्पर्मेटोफोर मतलब बंडल ऑफ स्पर्म्स निकलेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें फीमेल रिप्रोडक्ट सिस्टम की, तो ये कुछ ऐसा सा याद रखना, डायग्राम इसी से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये है दो ओवरी, ओवरी ओवरी किससे मिलके बनी है, ओवेरियोल से, ओवरी आठ, एक ओवरी आठ ओवेरियोल से मिलके बनी है। अब ये ओवरी की आई ये ओविडक्ट, ये वाली ओवरी की आई ये ओविडक्ट, अब दोनों ओविडक्ट मिलके क्या बना देंगे, कॉमन ओविडक्ट। ये है स्पर्मेथिका, और ये इधर जेनाइटल चैम्बर जो हमने किया था ना, जेनाइटल चैम्बर, और जेनाइटल चैम्बर में ये क्या बना, गोनोपोफाइसिस, गोनोपोफाइसिस, ठीक है। अब अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह याद रखना है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करके बना देंगे, ठीक है। अब देखो मेल गैमेट स्पर्मेटोफोर में होते हैं, हमने किया था ना, मेल कॉकरोच में क्या होता है, स्पर्म आएंगे, स्पर्म आपस में चिपक जाएंगे और बंडल्स बना देंगे स्पर्मेटोफोर।
अब ये स्पर्मेटोफोर क्या करेंगे, फीमेल एग को फर्टिलाइज कर देंगे। फर्टिलाइजेशन हो गई, अब फर्टिलाइज्ड एग्स जो बन गए वो क्या होंगे, वो कैप्सूल्स में अरेंज हो जाएंगे। कैप्सूल को क्या बोला है, ऊथिका बोला है, ठीक है। ये एनक्लोज्ड होते हैं कैप्सूल में, जिसको बोला है हमने ऊथिका। अब एक एवरेज फीमेल कॉकरोच 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है ना, और एक ऊथिका के अंदर 14 to 16 एग्स होते हैं, ठीक है। अब ये ऊथिका क्या है, फीमेल की बॉडी से बाहर है, ठीक है। अब ये कहीं फेवरेबल कंडीशन जहां मिलेगी वहां पे चिपक जाएगी, जैसे दीवारों में दरारें हैं या कोई ह्यूमिड प्लेस है वहां पे चिपक जाएगी, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है लास्ट में, जिसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, कि निम्फ, निम्फ क्या होता है, कॉकरोच का लार्वा है। अब निम्फ से अडल्ट बनेगा, और अडल्ट कितनी माउल्टिंग के बाद बनेगा, 13 माउल्टिंग के बाद। अब एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, लिम्फ लुक लाइक अडल्ट, ये निम्फ जो है अडल्ट की तरह दिखता है। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है, कि निम्फ के पास विंग पैड्स होते हैं बट विंग्स नहीं होते। विंग्स किस में होंगे, अडल्ट कॉकरोच में। निम्फ के पास विंग पैड्स हैं बट विंग्स नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। थैंक यू।